क्या आपको मुंह में इंजेक्शन लगवाने से डर लगता है, या आप ये सोचते हैं कि आखिर डेंटिस्ट हमारे मुंह में इंजेक्शन क्यों लगाते हैं? आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर डेंटिस्ट डेंटल एनेस्थीसिया यानी मुंह में इंजेक्शन क्यों लगाते हैं और इसको कैसे पेनलेस यानी दर्द के बगैर का एक्सपीरियंस आपके लिए बनाया जाए। मेरा नाम है डॉक्टर शाजिब खान एंड आई एम कंसल्टेंट डेंटल सर्जन एट स्माइल मेकर्स डेंटल क्लिनिक शाहजहांपुर। सबसे पहला सवाल जो आपके मन में आता होगा वो ये कि बहुत दर्द होता होगा। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं कि एनेस्थीसिया या इंजेक्शन क्यों लगाया जाता है। सीधी सी बात है, अगर आपको अपने मुंह के अंदर किसी दांत में कोई ट्रीटमेंट कराना है और आप चाहते हैं कि उसमें दर्द ना हो तो हमें वो हिस्सा सुन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम सुन नहीं करेंगे तो आपको दर्द होगा। एक तो पहले से आप रात भर परेशान होकर जाग कर दर्द लेकर हमारे पास आते हैं और उसमें भी अगर हम उस दर्द को बढ़ा दें तो आप हमारे पास क्या किसी भी डेंटिस्ट के पास जाने से बहुत ज्यादा डरेंगे और आपका एक खराब एक्सपीरियंस हमेशा आपको रहेगा। और यही वजह है कि हम डेंटल एनेस्थीसिया का इस्तेमाल करते हैं। डेंटल एनेस्थीसिया की एक खास बात होती है, ये सिर्फ उस हिस्से को सुन करता है जहाँ पे हमें काम करना होता है, यानी हमें पूरा जनरल एनेस्थीसिया या एक कहें कि बेहोश करके पूरी बॉडी पे ऐसा काम नहीं करना होता। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके इस दांत में दर्द है तो हम सिर्फ इस हिस्से को सुन करेंगे, अगर आपके इस दांत में दर्द है तो हम सिर्फ इस हिस्से को सुन करेंगे। और इसीलिए डेंटल एनेस्थीसिया को या मुंह में लगाए जाने वाले इंजेक्शन को हम लोकल एनेस्थीसिया भी कहते हैं, और इसीलिए डेंटल एनेस्थीसिया डेंटिस्ट्री में बहुत ज्यादा पॉपुलर है। बस एक छोटे से हिस्से को सुनकर और आप टेंशन फ्री। ये बात तो बिल्कुल जाहिर है कि सोचकर डर लगता होगा कि देखो उसके मुंह में इंजेक्शन दिया जा रहा है, या जो पेशेंट हमारी चेयर पर बैठा होता है उसको भी डर लगता होगा कि पता नहीं मुंह में इंजेक्शन लगने वाला है तो कितना पेन होता होगा। मगर इसको पेनलेस बनाने के लिए कुछ प्रोसीजर्स हैं जो फॉलो किए जाते हैं, और ये बताते हुए हमें बहुत खुशी हो रही है कि स्माइल मेकर्स में हम उन हर प्रोटोकॉल्स का पालन करते हैं जिससे इस एक्सपीरियंस को पूरी तरीके से पेनलेस यानी बगैर दर्द का बनाया जा सके। कई बार तो पेशेंट मुंह खोले रहता है, हम इंजेक्शन लगा चुके होते हैं और वो इंतजार कर रहा था कि शायद हम उसको इंजेक्शन लगवाने वाले हो। यकीन नहीं हो रहा ना, बट हाँ ये पॉसिबल है। अब हम बात करते हैं कि इस एक्सपीरियंस को हम देते कैसे हैं, कैसे इसको पेनलेस ट्रीटमेंट बनाते हैं। सबसे पहली चीज, आपने ये इंजेक्शन देखे होंगे, हम इस इंजेक्शन को यूज नहीं करते क्योंकि इसकी जो नीडल है ये बहुत मोटी होती है आपके मुंह में लगने के लिए। हम यूज करते हैं ये वाला इंजेक्शन, इसको हम कार्ट्रिज बेस्ड इंजेक्शन कहते हैं। इसकी ये एक दवा की कार्ट्रिज होती है, ये इसमें फिट कर दी जाती है, और एक इसकी ये नीडल होती है। ये नीडल दुनिया की सबसे पतली नीडल होती है। इवन अगर हम आपको दिखाना चाहें तो आपको ये इसमें शायद दिख भी नहीं रही होगी। इस तरह के इंजेक्शन हो सकता है आपने ना देखे, बट ये एक एडवांस टेक्निक है और इसको हम स्माइल मेकर्स पर यूज करते हैं। ये इतनी पतली होती है कि इससे अगर इसको पतला किया जाए तो समझ लीजिए कि इसमें दवा पास होने की जगह नहीं रह जाएगी। ये कंटेमिनेशन फ्री होता है क्योंकि हम इसको सिर्फ एक बार यूज करते हैं और यूज करने के बाद इसको फेंक दिया जाता है। ना तो ये एयर के कॉन्टेक्ट में आती है और ना ही किसी तरह का इसमें रिएक्शन का डर होता है। आपने देखा होगा कि लोग इस तरह के वायल्स को यूज करते हैं इस तरह के नीडल्स के साथ। इसमें क्या होता है कि जब बार बार नीडल अंदर बाहर होती है तो इसमें कंटेमिनेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि कुछ तरह की एलर्जीज भी होती हैं। साथ ही साथ ये मोटी नीडल जब जाती है तो कई बार ऐसा होता है कि इंजरी भी होती है, और उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स जैसे मुंह ना खुलने की या मुंह खुलने में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। और इसको और पेनलेस बनाने के लिए हम एक स्टेप और आगे जाते हैं। हम इस स्प्रे एनेस्थीसिया स्प्रे का इस्तेमाल करते हैं, इससे आपकी जो म्यूकोसा होता है यानी जो गाल के अंदर खाल होती है वो टॉपिकली यानी ऊपर ऊपर का हिस्सा सुन हो जाता है, और जब हम उसमें सुई चुभोते हैं तो आपको बिल्कुल भी पता ही नहीं चलता कि कुछ हुआ भी है वहां पर। और हम इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि जब हम इंजेक्शन लगा रहे हैं यानी जब हम एनेस्थीसिया दे रहे हैं तो हम पूरा टाइम लेते हैं। ऐसा नहीं है कि बस इंजेक्शन दिया और उसको प्रेशर से दबा दिया, क्योंकि जब दवा अंदर जाती है तो उसको फैलने के बाद प्रेशर फील होता है। तो जब हम हल्के हल्के अपना टाइम लेते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं करते हैं, तो वो एक्सपीरियंस सबसे ज्यादा पेनलेस होता है। तो हम यही कहना चाहेंगे कि अगर आप हमारे एरिया के आसपास कहीं रहते हैं और आपको अगर ट्रीटमेंट की जरूरत है तो एक बार इस तरह के इंजेक्शन का एक्सपीरियंस लेकर देखें। और हम यही चाहेंगे कि आप हेल्दी रहें, सेहतमंद रहें, अपने दांतों का ख्याल रखें। और हम उम्मीद करते हैं कि आपका डेंटल ट्रीटमेंट का एक्सपीरियंस हमेशा बहुत अच्छा हो। आप हेल्दी रहें, अपने दांतों का ख्याल रखें, और सुबह और शाम दोनों टाइम ब्रश किया करें। थैंक यू सो मच।